आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक और सच्ची कहानी लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना जी अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी आगे की ओर चले गए, वो पीछे छूट गए थे। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी, तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी, वह तेज तेज रोने लगी। नानी जी को लगा वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से गाड़ी से उतर कर पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम्हें बताना पड़ेगा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। इतना पूछने के बाद भी वो लगातार रोई जा रही थी, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। यह सुन वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भाग कर इकट्ठे हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया, तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। नाना जी की बात मान माँ ने उसे रसोई में जाने को कहा और जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब से आवाज़ आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैली से मछली निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन
उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देख माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। डर लगने के बावजूद माँ चिल्लाई नहीं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया ताकि उनकी आवाज़ सुनकर वह चुड़ैल और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या होता। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव आपसे मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।